आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया है अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें हम अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो यह क्षेत्र के समांतर होकर अल्प रूप से या क्षीण रूप से चुंबकत्व ग्रहण करता है, तथा हम जब इसे प्रबल चुंबक के सिरों के पास ले जाते हैं तो यह आकर्षित होते हैं, तथा यदि हम इसे स्वतंत्र रूप से इन अनुचुंबकीय पदार्थों को लटका देते हैं तो यह क्षेत्र के समांतर हो जाती है, तथा हम देखते हैं कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं उसे हम अगर असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो यह अनुचुंबकीय पदार्थ अल्प तीव्रता वाले क्षेत्र से अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करने लगते हैं, तथा जो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या जो अगर हम चुंबकशीलता दिखे तो वह लगभग एक से थोड़ा अधिक होता है। अगर हम अणुचुंबकीय पदार्थ को परमाणुविक रूप से देखें तो इसके परमाणुओं में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं विषम संख्या में होते हैं, तथा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो है वह एक ही दिशा में चक्रण करने वाले अधिक होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा अणुचुंबकीय पदार्थों को, इसके उदाहरण को हम देखते हैं। अणुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है मैग्नीज, प्लेटिनम, एल्युमिनियम तथा ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे अणुचुंबकीय पदार्थ को विस्तार से देखा। यह एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसे चुंबकीय क्षेत्र पर रखने पर यह क्षेत्र के समांतर होकर अल्प चुंबकत्व धारण करते हैं, तथा इसके जो उदाहरण हैं वह है मैग्नीज, प्लेटिनम, एल्युमिनियम तथा ऑक्सीजन। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।